टीवाईपीकॉम मार्च 2005 का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको किस पर फोकस करने का है, टाइमलाइन बनाने पर। जैसे मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का सम स्टार्ट करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या बनाना है, टाइमलाइन। और जिसका टाइमलाइन बन गया उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आराम से आ जाएगा। देखो क्या दिया है, ऑन 1 जनवरी 2013 1012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑफ शिवा लिमिटेड वॉज हेल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर धर्मेश एट अ कॉस्ट ऑफ 91,000 रुपीज। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31st December। यानी यहां पर उसने क्लियरली मेंशन किया है कि 1 जनवरी 2013 को, यहां पर टाइमलाइन ड्रॉ कर रहा हूं, 1 जनवरी 2013 को उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट क्या क्या होल्ड किया कि परचेस क्या। देखो ऑन 1 जनवरी 2013 1012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑफ शिवा लिमिटेड वॉज हेल्ड। हेल्ड मतलब ओपनिंग बैलेंस है, वो हेल्ड मतलब वो कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, उसके पास ऑलरेडी था। आगे ऑन 1000 डिबेंचर है, सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है। आगे इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31st December। इंटरेस्ट कभी दिया जाएगा, 31st December को दिया जाएगा। तो I stands for interest, 31st December 2013 आएगा बेटा, क्लियर। इसमें कोई तकलीफ, ओके। ऑन 1 अप्रैल 2013 20,000 ऑफ सच डिबेंचर वे परचेज बाय धर्मेश एट द रेट ऑफ 98 कम इंटरेस्ट। 1 अप्रैल 2013 को भी भाई साहब ने क्या किया, परचेज किया, P for purchase, परचेज किया। कितने का, 20,000 ऑफ सच डिबेंचर बाय परचेज एट 98 रुपीज कम इंटरेस्ट। तो परचेज का पी लिख के रखा, बाकी का हम लोग बाद में देखेंगे क्या चीज है। ऑन 1 सितंबर 2013 30,000 ऑफ सच डिबेंचर बाय सोल्ड, तो सोल्ड के लिए एस आएगा, एस स्टैंड्स फॉर सोल्ड। 1 सितंबर 2013 सोल्ड, एस फॉर सोल्ड। एंड ऑन 1 डिसंबर 2013 50,000 ऑफ सर डिबेंचर वेर सोल्ड, अगेन सोल्ड बोला है, एस स्टैंड फॉर सोल्ड। 1 डिसंबर 2013 कोई डिफिकल्टी। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, इंटरेस्ट जिस तारीख को बोला गया उस तारीख को इंटरेस्ट मिल गया। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ फॉर 12% डिबेंचर्स ऑफ शिवा लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर धर्मेश वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक On 31st December 2013, applying accounting standard 13, the debenture were quoted at 93 on 31st December, यानी वो क्लोजिंग दिया है। वो क्या दिया है, क्लोजिंग, यानी हमारा 31st December को इंटरेस्ट भी मिलता है और उसके साथ उस दिन हमारा अकाउंट क्लोज भी होता है। सिंपल, इंटरेस्ट मिलने का तारीख भी सेम है और क्लोज होने का तारीख भी सेम है, दोनों का तारीख क्या है, सेम है। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब वापस चक्र की तरफ जाते हैं। हमारा साल कभी स्टार्ट होता है, अब जनवरी में, खत्म कभी हो रहा है, तो हमारे लिए जनवरी नहीं, हमारे लिए 31st December इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वो क्लोजिंग है। अगर क्लोजिंग मेरा दिसंबर है तो ओपनिंग मेरा जनवरी रहेगा, अगर क्लोजिंग मेरा मार्च है तो ओपनिंग अप्रैल रहेगा, वो याद रखने का। अच्छा, 31st December मेरा क्लोजिंग है तो 1 जनवरी मेरा ओपनिंग होगा, इतना तो क्लियर हो गया। 31st December को मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, 31st December को मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या मुझे 31st December को इंटरेस्ट मिला था, क्या बोला मैंने, I am going to receive the interest on 31st December, ठीक है, आने वाले 31st December को मेरे को ये सब का इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या मुझे इस फाइनेंशियल ईयर में पिछले साल इंटरेस्ट मिला था, ऑब्वियसली मिला ही होगा, तो इसका मतलब पिछला इंटरेस्ट का डेट क्या होगा, 31st December 2012, है ना। अब मुझे पूरा मालूम है मुझे कब मिला था और कब मिलेगा, ये दोनों के बीच की कश्ती है, क्लियर। अब ध्यान दो, ओपनिंग है, स्टेप नंबर वन मैंने बताया था टाइमलाइन बनाओ, आपने टाइमलाइन बना लिया। सेकंड बोला था मैंने ओपनिंग बैलेंस करना है, तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ओपनिंग बैलेंस के टाइम पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी बोला था मैंने, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कितना। देखो ध्यान से, 31st December 2012
एक जनवरी, कितने दिन का फर्क, कितने महीने का फर्क, कितने वीक का फर्क, कितने साल का फर्क है, एक दिन का फर्क है। 31 दिसंबर को पार्टी किया, एक तारीख दूसरे दिन हो गए, तो एक दिन का इंटरेस्ट काउंट नहीं करने का, मतलब इसमें और इसमें कितने दिन का फर्क है, एक, तो यहां पर इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है, नो नो फॉर नो इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद दिसंबर से लेके परचेस मैंने अप्रैल में किया, परचेस कभी किया, अप्रैल, तो दिसंबर से लेके अप्रैल कितना महीना होता है, दिसंबर से मैंने लेके अप्रैल, तो दिसंबर 31 गया तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का एक दिन काउंट नहीं करने का, तो कितना महीना आता है, 3 मंथ्स, कोई तकलीफ। यहां से लेके सेल पूरा वापस आ जाओ, दिसंबर गया तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर का एक दिन काउंट नहीं, तो कितना दिन आएगा, 8 मंथ्स, क्लियर। दिसंबर से लेके दिसंबर, तो लेकिन यहाँ पे 1 दिसंबर है, तो दिसंबर का लास्ट डेट गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर का एक दिन काउंट नहीं कर रहे हैं, तो कितना मंथ, 11 मंथ, क्लियर। दिसंबर से लेके दिसंबर पूरा 12 महीना, अंडरस्टूड। क्या समझाने की कोशिश, क्या समझा, इंटरेस्ट कब मिला था, इंटरेस्ट कब मिलेगा, ये दोनों के बीच में देखने का। तो आपने जब भी परचेस किया, जब भी सेल किया, वो दिन को क्या करने का, काउंट करने का, और उसके हिसाब से देखने का कि पिछली इंटरेस्ट और अभी के इसमें कितने दिन का फर्क है, वो मंथ्स कैलकुलेशन हो गया, क्लियर। अगर आपका ये पार्ट हो गया, क्योंकि टाइमलाइन के अंदर ये डेट ही इंपॉर्टेंट है, ये मंथ्स ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब आते हैं स्टार्ट करने की तरफ, सम कैसे स्टार्ट करने का, टाइमलाइन मेरा बन गया, वापस क्वेश्चन रीड करते हैं। अब क्वेश्चन रीड करने का, ऑन 1st January 2013 डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑफ शिवा लिमिटेड वॉज हेल्ड, हेल्ड बोला मतलब ओपनिंग ऑन एज ए इन्वेस्टमेंट बाय धर्मेश एट अ कॉस्ट ऑफ 91,000, तो ओपनिंग बोला है, तो बेटा यहां पे तारीख लिखने का, ओपनिंग का 2013 कॉमन है, तो मैं 2013 कॉमन लिख देता हूं, तारीख क्या रहेगा, 1st January, अंडरस्टूड। ओपनिंग बैलेंस है, तो बेटा क्या लिखने का, टू बैलेंस, वेरी गुड, ब्रॉट डाउन, कितना डिबेंचर उसके पास है बेटा, 1000 डिबेंचर इनटू 100, तो 1 लाख रुपीज का फेस वैल्यू हो गया बेटा, अरे हाँ है ना, 1000 डिबेंचर ऑफ रुपीज 100, तो 1000 इनटू 100 क्या हो गया, 1 लाख रुपीज फेस वैल्यू, एट अ कॉस्ट ऑफ 91,000 बोला बेटा, एट अ कॉस्ट ऑफ दिया है क्या, तो कॉस्ट में कॉस्ट आ गया। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, चेक करो इस तारीख पे इंटरेस्ट बोला है क्या मैंने, तो यहां पे डैश मारो, खत्म, पहला ट्रांजेक्शन हो गया, 2 मार्क मिल गए, कितने मार्क मिल गए, हाँ तो अभी इंटरेस्ट बोला ही नहीं ना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में परसेंटेज काउंट होता है, अब इफ देर इज नो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, वी नीड टू इग्नोर द 12%, बिकॉज निकाला ही नहीं कैलकुलेशन, अगर मुझे यहाँ पे 1 मंथ बोलता तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, प्रिंसिपल वैल्यू इंटू रेट इंटू पीरियड, बट यहाँ पे तो पीरियड ही नहीं है, तो कैलकुलेशन करने का ही नहीं, सिंपल, तो आगे बढ़ने का। नेक्स्ट, ऑन 1st April 2013, ये डेट के हिसाब से जा रहे हैं, देखो यहाँ पे हो गया, अभी ये डेट पे, ऑन 1st April 2013 20,000 ऑफ सर डिबेंचर पे परचेज बाय धर्मेश एट द रेट ऑफ रुपीज 98 कम इंटरेस्ट, बेटा परचेज बोला है, परचेज डेबिट में कि क्रेडिट में, डेबिट में कि क्रेडिट में, डेबिट में, तो लिख इधर बेटा 1st April, तकलीफ, परचेज किया तो क्या लिखने का बेटा, टू बैंक अकाउंट, परचेज के समय टू बैंक, सेल के टाइम पे बाय बैंक, डेबिट और क्रेडिट का फर्क है, प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस हुआ तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल। अब टू बैंक लिखा, कितना डिबेंचर खरीदा, ऑन 1st April 2013 20,000 रुपीज ऑफ सच डिबेंचर, मतलब 20,000 रुपए उसकी फेस वैल्यू हो गई बेटा, 20,000 उसकी क्या हो गई, फेस वैल्यू। अगर आप लोगों इसको कैलकुलेशन करना चाहते हो तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितना आएगा बताओ, 20,000 divided by 100, तो मतलब मैंने कितने डिबेंचर्स खरीदा, 200, पहले टाइम में क्या बोला था, 1000 ऑफ डिबेंचर इनटू 100 किया था, अब हमको सीधा वैल्यू दिया, मैंने कल बताया था फेस वैल्यू दो तरीके से दिया रहता है, या तो डायरेक्टली अमाउंट या तो नंबर्स में दिया रहेगा, तो पहले वाली लाइन में नंबर्स में दिया था, दूसरे में डायरेक्टली फेस वैल्यू दिया है,
तो 100 रुपीज हमारा नॉर्मल फेस वैल्यू, वो याद रखने का, एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 है, वो याद रखने का। 20,000 अभी कितना बोला बेटा, 98 रुपीज का कम इंटरेस्ट बोला है, क्या बोला है, कम इंटरेस्ट। तो बेटा आ जाओ वर्किंग नोट नंबर वन, वर्किंग नोट नंबर वन। सबसे पहले परचेस निकाल रहे हम लोग, है ना, कुछ यहाँ पे से फेस वाले छोड़ के बाकी कुछ लिखने का नहीं है, डायरेक्टली एक्साइटमेंट में आराम से। परचेज ऑन 1 अप्रैल 2013, तकलीफ क्या बताया था, कॉस्ट और दो ही चीज बताया था, कॉस्ट 200 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 98 बोला। देखो बेटा क्वेश्चन देखो, 98 बोला है ना, तो 200 डिबेंचर, 200 कैसे आया मालूम पड़ा, 20,000 डिवाइडेड बाय 100 तो 200 आ गया, मल्टीप्लाई कर बेटा कितना आएगा, गलत जवाब, 19,600। सिंपल कॉस्ट लिख दिया, अब क्या निकालना है, इंटरेस्ट, कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, व्हाट इज माय फेस वैल्यू 20,000, व्हाट इज माय रेट 12%, व्हाट इज माय पीरियड 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स मतलब 3/12, अंडरस्टूड, कैलकुलेटर पे 20,000 का 12% 2400 है ना, मल्टीप्लाई 3/12 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 600, अरे तकलीफ हाँ है ना, इतने में तकलीफ कैसे आया, समझा, क्वेश्चन में बोलो अभी एक्स या कम, एक्स या कम, एक्स या कम, कम तो कम कर दे बेटा, कम करने के बाद आंसर आएगा 19,000, तकलीफ माइनस 19,600 में से 600 रुपया माइनस करने का, तो बचा क्या 19, तो ये 19 को लिखने का कॉस्ट में और इंटरेस्ट में लिखने का 600, दैट्स इट, पक्का। अच्छा एक्स इंटरेस्ट बोलता, अगर एक्स इंटरेस्ट बोलता तो बेटा कॉस्ट में कॉस्ट लिखता, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लिखता है, तो माइनस करने की जरूरत नहीं थी, हो गया आपका, कितना मार्क मिल गया, 3 मार्क और मिल गया, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5, यानी 4 या 5 मार्क तो मिल ही जाएगा इतने में। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, हाँ नेक्स्ट लाइन, इतना हो गया दो, ये हो गया। अब 19 को वापस बोला है सेल, 19 को देखो सेल बोला है, 1 सितंबर 2013 30,000 of such debenture were sold at 96x interest. तो बेटा सेल परचेस किया तो डेबिट साइड, सेल किया तो क्रेडिट साइड, 1 सितंबर को सेल किया, ओके क्या लिखेंगे, बाय बैंक, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा यहां पे वर्किंग नोट नंबर 1 डालने का, क्योंकि इस पूरे सम की जान वर्किंग नोट है, जितना मार्क्स इसके ऊपर मार्क्स बाद में मिलता है, पहले इसके ऊपर मार्क्स मिलेगा, क्योंकि वर्किंग नोट ही आपको यहां पर सॉल्व करना पड़ जाए। अभी बाय बैंक किया, व्हाट इज योर फेस वैल्यू गिवन, क्या दिया फेस वैल्यू, 30,000 रुपीज का डिबेंचर ना, तो बता नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हुए, 300, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। वर्किंग नोट नंबर 2 पे आ जाओ, सेल ऑन 1/9/2013 है ना, क्या लिखेंगे, कॉस्ट, दूसरा क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट, कोई तकलीफ, हाउ मेनी डिबेंचर्स 300, कितने में खरीदा देख बेटा, 96, बेटा मल्टीप्लाई करके दिखा, मल्टीप्लाई 28,800, वेरी गुड। इंटरेस्ट, नंबर इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, व्हाट इज माय फेस वैल्यू 30,000, व्हाट इज माय रेट 12%, व्हाट इज माय मंथ, पीरियड क्या है 8 मंथ्स, तो 8/12 तो कितना आएगा, गलत जवाब, 12% बोला, तो 12/112% हो गया इतना। अब इंपॉर्टेंट क्या है, x या कम, तो x बोला तो एज इट इज लिखो, कॉस्ट में लिखो 28,800 और इंटरेस्ट में लिखो 2400, वर्किंग नोट नंबर 2, दैट्स इट, प्रॉब्लम पक्का, आगे बढ़ो। याद आया कुछ, कल मैंने बताया था सेल करने के तुरंत बाद क्या करने का, प्रॉफिट और लॉस, वरना गया मार्क्स, ठीक है, क्योंकि अगर ये एंट्री नहीं पास किया तो आगे वाला सेल करोगे वो भी गलत हो जाएगा, उसका कैलकुलेशन करोगे वो भी गलत, यानी मार्क्स सिर्फ इस पे ही मिलेगा 2 पे, क्लियर।
तो आपने को सेल किया तो सेल के तुरंत बाद कौन सी एंट्री पास करनी है? प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑन 1/9/2013। कोई तकलीफ? कैसे कैलकुलेट करने का ध्यान देखो, प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करने का। सबसे पहले यू हैव टू टेक द फेस वैल्यू, यू हैव टू टेक द कॉस्ट। दो कॉलम लेने का, कौन कितना कॉलम? दो कॉलम, फेस वैल्यू कॉस्ट, फेस वैल्यू कॉस्ट, डेबिट माइनस क्रेडिट। क्या बोला? डेबिट माइनस क्रेडिट, दो कॉलम लेने का, हमेशा हमेशा ऐसे ही करने का। डेबिट में बेटा फेस वैल्यू का टोटल कितना दिखता है? 1,20,000। टोटल कर रहे तो दिख रहा है ना, दो अमाउंट है तो दोनों अमाउंट का ऐड करो, 1,20,000। डेबिट में कॉस्ट का टोटल करो बेटा, दोनों में कॉस्ट का टोटल करो तो 1,10,000 हो गया। हाँ है ना, इतना समझा? अब मैं कौन से तारीख का प्रॉफिट लॉस निकाल रहा हूं? 1 सितंबर का। कौन से तारीख का निकाल रहा हूं? 1 सितंबर। तो 1 सितंबर के ट्रांजेक्शन को छोड़ के, एक सितंबर के ट्रांजेक्शन को छोड़ के ऊपर का सब आइटम प्लस करने का है ही नहीं। अब मुझे 1 सितंबर का ट्रांजेक्शन बोला है, मैंने वो ट्रांजेक्शन को हाइड कर दिया तो बचा क्या? ऊपर कुछ है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? क्रेडिट में डैश। समझा? नहीं समझा तो अगले ट्रांजेक्शन में समझेगा, क्योंकि वहां पे अमाउंट मिलेगा फिर अपने को। ठीक है, तो 1,20,000 एज इट इज, 1,10,000 एज इट इज। अरे तकलीफ, ये हो गया मेरा फेस वैल्यू, हो गया मेरा कॉस्ट, डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट। अब मैंने कितने का सोल्ड किया बता? कितने का डिबेंचर सोल्ड किया? 30,000 का डिबेंचर सोल्ड किया। यस, तो मेरा कॉस्ट कितना आएगा? हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, कैसे निकालेंगे बेटा? 30,000 इंटू 1,10,000, 30,000 इंटू 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। 30,000 इंटू 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, 27,500। तकलीफ, मतलब मुझे मिलना चाहिए, मेरा कॉस्ट प्राइस है 27,500। मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? मुझे मिलना कितना चाहिए? 27,500। मुझे मिला कितना? व्हाट इज माय सेलिंग प्राइस? 28,800। बेटा ज्यादा मिला कि कम मिला? ज्यादा मिला ना, ज्यादा मिला। तो कितना ज्यादा मिला? 1,300 रुपया। इस 1,300 को बोलेंगे प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? सिंपल। और मैंने क्या बताया, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा? प्रॉफिट आया तो डेबिट साइड, लॉस आया तो क्रेडिट साइड, प्रॉफिट आया तो डेबिट साइड। डेबिट में क्या लिखना है? टू प्रॉफिट एंड लॉस। कौन से कॉलम में? कॉस्ट कॉलम में। तकलीफ, वर्किंग नोट नंबर 3, 1 सितंबर। अरे तकलीफ, वापस बोल रहा हूं, प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करने का? दो कॉलम लेने का, फेस वैल्यू और कॉस्ट, डेबिट माइनस क्रेडिट। फेस वैल्यू 1,20,000, कॉस्ट 1,10,000। क्रेडिट करते समय क्या करने का? जिस दिन का ट्रांजेक्शन निकाल रहे हो उस दिन को हाइड करने का, उसके ऊपर का सब लेने का टोटल। बट दिया ही नहीं है तो उसको माइनस डैश डैश करके आगे। फिर 30,000 मेरा क्या है? सेल। ये मेरा क्या है? सेल। ये मेरा क्या है? सेल। तो सेल मैंने क्या किया? 30। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है, 30,000 इंटू 1,10,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000, तो 27,500। दिस इज माई एक्सपेक्टेड प्राइस, इतना मुझे मिलना चाहिए। एक्चुअल में कितना मिला? 28,800। ज्यादा मिला, जितना ज्यादा मिला वो क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो डेबिट साइड। सिंपल। चलो मान लो ये नहीं आया तो अगले वाले में समझ में आएगा, क्योंकि वापस उधर सेल दिया है। तो वर्किंग नोट नंबर 4, तो सेल बोला तो डेबिट में लिखने का कि क्रेडिट में लिखने का? बेटा सेल बोला है, तारीख देखो, नेक्स्ट दिया है ऑन 1 December 2013, 50,000 ऑफ सब डिबेंचर वेर सोल्ड एट 99 रुपीज कम इंटरेस्ट। तो 1 December बेटा बाय बैंक, हाउ मच इज द फेस वैल्यू बेटा? हाउ मच इज द फेस वैल्यू? 50,000। ओके, नाउ डू द कैलकुलेशन। सेल ऑन 1 December 2013, पहला क्या लिखेगा? कॉस्ट। दूसरा क्या लिखने का? इंटरेस्ट। व्हाट इज माय नंबर ऑफ डिबेंचर? 500। कितने रुपए में? 99 रुपीज। मल्टीप्लाई 49,500। मल्टीप्लाई करने आता है इजीली।
अब इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, तो 50,000 हो गया, 12% हो गया, पीरियड 11 मंथ्स, तो कैलकुलेशन करोगे 5,500। बेटा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, एक्स की कम चेक करो, कम या एक्स, कम बोला तो कम कर दे, तो कम करने के बाद आंसर है 44,000। कोई तकलीफ, एक्स और कम, कम कम बोला तो कम करने का, तो बेटा कॉस्ट में आएगा 44,000 और इंटरेस्ट में आएगा 5,500। अरे तकलीफ, सेल किया, सेल करने के बाद तुरंत बाद क्या करने का, प्रॉफिट और लॉस, तो वर्किंग नोट नंबर 5, प्रॉफिट और लॉस ऑन 1/12/2013। तकलीफ, प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करने का, दो कॉलम, कौन कौन सा, फेस वैल्यू कॉस्ट, दो कॉलम लिया, डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट का फेस वैल्यू मतलब डेबिट का टोटल 1,20,000, डेबिट का कॉस्ट 91 प्लस 19 प्लस 1,000 300, तो 1,11,300। तकलीफ, डेबिट का फेस वैल्यू, डेबिट का कॉस्ट, डेबिट का फेस वैल्यू, डेबिट का कॉस्ट, उसके बाद फेस वैल्यू क्रेडिट में देखो, तो मैंने क्या बताया था, जिस दिन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने का है वो दिन को करो हाइड, है ना, 1 दिसंबर का, तो अभी बचा क्या, ऊपर फेस वैल्यू दिख रहा है 30, कॉस्ट दिख रहा है 28,800, तो 30,000 और 28,800। अच्छा, इस दिन के ऊपर अगर 15 ट्रांजेक्शन रहता तो 15 ट्रांजेक्शन का टोटल करते थे फेस वैल्यू में, ऐसा समझने का, ये मत सोचने का उसके ऊपर का लेना है, ऊपर का नहीं, उसके ऊपर के सब, जैसे इसमें सबका टोटल किया ना बेटा, वैसा उधर का भी टोटल करने का, उस दिन की तारीख को छोड़ के, समझा, माइनस करोगे तो कितना आएगा 90,000, और यहां पर माइनस करो तो इधर आएगा 82,500। सिंपल, अब बताओ मुझे कितना सेल किया हम लोग ने, कितना सेल किया बताओ हम लोग ने, कितना सेल किया हम लोग ने, सर सेल किया 50,000 हम लोग ने, कितना सेल किया, तो यहां पे लिखने का 50,000 फेस वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 45,833, सबका देखो इतना आया क्या, 45,833 लेंगे उसको, सिंपल, दिस इज माय एक्सपेक्टेड प्राइस, बट व्हाट आई रिसीव्ड, मुझे कितना मिला, 44,000 मिला, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपको यहां पर वैल्यू कम मिला, आप 45 एक्सपेक्ट कर रहे, आपको 44 मिला, तो आपको वैल्यू कम मिला, कितना कम मिला, 1,833 कम मिला, तो इसको बेटा क्या बोलेंगे, लॉस, प्रॉफिट इज ऑन डेबिट साइड, तो लॉस इज ऑन क्रेडिट साइड, तो बेटा क्रेडिट में लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, हाउ मच, 1,833, वर्किंग नोट नंबर 5, कोई तकलीफ, 1 दिसंबर, दैट्स इट, क्लियर, आगे फिर 31 दिसंबर को बोला है इंटरेस्ट, और क्या बोला है, क्लोजिंग, सी मतलब क्लोजिंग, क्लोजिंग के टाइम पर भी कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट वगैरह दिया है, वो भी देखते हैं, क्या बोला, देखो, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर 12% डिबेंचर ऑफ शिवा लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ धर्मेश, वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च बाय अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, द डिबेंचर वर कोटेड एट 93 रुपीज, है ना, तो सबसे पहले क्या करने का, पहले क्लोजिंग करने से, अगर क्लोजिंग और इंटरेस्ट दोनों एक ही दिन है, क्लोजिंग और इंटरेस्ट एक ही दिन है, तो सबसे पहले क्या निकालो, इंटरेस्ट निकालो, क्या निकालो, तो इंटरेस्ट निकालना है, वो भी इंटरेस्ट कौन सी तारीख को निकाल रहे बेटा, 31 दिसंबर 2013, अरे तकलीफ, किस पे निकालना है, तो देखो बेटा सिंपल, फेस वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट, अब क्यों ऐसा कर रहा हो, क्योंकि पता होना चाहिए ना भाई, मैं बंद कर रहा तो मेरे पास कितना इन्वेस्टमेंट है, तो सबसे पहले डेबिट में फेस वैल्यू कितना, 1,20,000, तो डेबिट का 1,20,000, क्रेडिट का फेस वैल्यू कितना है 80, तो कितना बचा 40,000, सिंपल, मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, 12% फॉर हाउ मेनी मंथ्स,
12 मंथ्स, तो 12 बाय 12 तो मेरा इंटरेस्ट कितना आएगा? 4800। सिंपल। क्या बताया था मैंने? परचेस डेबिट में, सेल क्रेडिट में, प्रॉफिट डेबिट में, लॉस क्रेडिट में। तो इंटरेस्ट किधर आएगा? क्रेडिट बाय बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट कॉलम में 4800। वर्किंग नोट नंबर 6, 31st December। तकलीफ पक्का? अब मुझे क्या करना है? क्लोजिंग, क्या करना है? क्लोजिंग, क्लोजिंग करना है, क्लोजिंग करना है। अच्छा, इतने इंटरेस्ट वाले पार्ट में प्रॉब्लम नहीं? आएगा तो अपन बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का। अभी कैसा फर्स्ट सम है ना, तो इसलिए छोटा सम है, इसलिए छोटा लिया। अभी इतना हुआ, अब क्लोजिंग। अच्छा, क्या क्लोजिंग करने के टाइम पे मुझे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया है? दिया है 93 रुपीज। तो वो मुझे याद रखने का है, डायरेक्टली क्लोज नहीं करने का, फिर समझ के करने, संभल के करने का। कैसे बताता हूं? क्वेश्चन नंबर, वर्किंग नोट नंबर 7, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st December 2013। क्लोजिंग स्टॉक मतलब इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है। हाँ बेटा, ध्यान दो। सबसे पहले मेरे पास कितने का स्टॉक बचा है पहले मुझे पता होना चाहिए। सिंपल, एक सिंपल तरीके से बताता हूं। क्लोजिंग करूंगा, अब क्लोजिंग करने के टाइम पे फेस वैल्यू कितना है? 1,20,000। सिंपल, इधर कितना? 120, तो माइनस करूंगा 80 से, तो 40,000 बचा। दैट्स इट। फेस वैल्यू तो मैंने पहले बताया, बैलेंसिंग आएगा वो टैली होने वाला ही है। अब इधर डेबिट का टोटल क्या? तो 1,13,000 आ रहा है, हाँ है ना, 1,13,000 आ रहा है। इसको टोटल करो कितना होता है? कॉस्ट डेबिट माइनस क्रेडिट 1,11,300। और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा बेटा? देखो 28,800 74 76 633। माइनस कर बेटा इसको, माइनस करो 36,667। तो ये हो गए मेरी कॉस्ट वैल्यू। कौन सी वैल्यू? 36,667। क्वेश्चन में मुझे मार्केट वैल्यू दिया, देखो दिया है ना, कोटेड प्राइस बोला है। देखो कोटेड 93 रुपीज बोला है। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, व्हाट इज योर फेस वैल्यू? 40,000। व्हाट इज योर नंबर ऑफ डिबेंचर? 400। 93 मल्टीप्लाई करो 37,000। सिंपल। अभी कुछ आपने 11th में 12th में पढ़ा होगा, द क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लेस। तो क्लोजिंग वैल्यू शुड बी, क्या बोला मैंने? क्लोजिंग वैल्यू शुड बी लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। अरे समझा, हम लोग क्या करते हैं 11, 12 सब में यही पढ़ा है, क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, बीच वाले इज लेस। तो बेटा कौन सा लेस है? 33,667। तो यहां पे लिखने का 33,667। अरे हाँ है ना, और इंटरेस्ट हम लोग ने अभी निकाला था, इसलिए निकालने की जरूरत नहीं है। तारीख क्या है? 31st December। 31st December। जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी कॉस्ट का टोटल कर लो, जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी कॉस्ट का टोटल करो, तो आप देखोगे कि आपका कॉस्ट कॉलम टैली हो गया। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू को मारने का चौकड़ी, अगर मार्केट वैल्यू मेरा इधर 30,000 होता, कितना होता? 30, तो मैं यहां पे 30 लिखता था, और अगर मैं यहां पे 30 लिखता था तो मुझे बैलेंसिंग फिगर मिलता, प्रॉफिट एंड लॉस में डालूंगा। सिंपल। अरे मेरा बैलेंस शीट वैल्यू यहां पे 30 होता, मैं तो यहां पे 30 लिखता था। 3 के बाद 6 क्या बोल रहा है? 36,667। यहाँ पे 33, अच्छा यहाँ पे भी 36,667। सिंपल, वापस बोल रहा हूं,
कि कॉस्ट प्राइस मेरा 36667 आया, मार्केट वैल्यू मैंने निकाला विच एवर इज लॉस। अगर मेरा मार्केट वैल्यू 35,000 होता तो मैं 35 लिखता था, और 35 लिखता तो मेरे को कुछ तो बैलेंसिंग फिगर फिर बचता था, क्योंकि मेरी कॉस्ट 36 की है, 35 है तो 1,000 रुपया मेरा क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। सिंपल। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्यों, मार्केट वैल्यू बड़ा इसलिए नहीं लिखा, मार्केट वैल्यू अगर छोटा होता तो वो लिखता था। सिंपल। अब ये हो गया मेरा टैली। इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे डैश क्यों लिखा, क्योंकि एक दिन पहले मैंने इंटरेस्ट निकाला, वही दिन को इंटरेस्ट भी निकाला ना, तो यहाँ पे लिखोगे 30 बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस। सिंपल। अब एक कॉलम बचा जिसको आपने टैली नहीं किया ना, तो बैलेंसिंग निकाला कौन सा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का हमेशा क्रेडिट ही बड़ा आता है 99% केसेस में। टोटल करो 12,700, उसमें से 600 माइनस करो तो 12,100 आएगा। तो बेटा इसको डालेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी बैलेंसिंग बचेगा वो सब कहाँ डालने का, आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस में डालने का। कोई तकलीफ? वर्किंग नोट नंबर 7, कोई तकलीफ? दैट्स इट। ये आपका 15 मार्क का स्पेशल तरीके का सम है जिसमें एक परचेज दो सेल आया है। क्लियर।